हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरी मम्मी कल रात चली गई है। उनको हम स्टेशन छोड़ के आए हैं और मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत रोना आया। मेरी मम्मी भी बहुत रो रही थी। मुझे उनको अकेले भेजने को अच्छा भी नहीं लग रहा था। बहुत एक्टिव लेडी है वो मेरी मम्मी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं जब ट्रेन से छोड़ के आई हूँ तो मैं बहुत रो रही थी। पूरे रास्ते में रोते रोते आई और रात भर में सो भी नहीं सकी। लेकिन बहुत एंजॉय किया मम्मी के साथ, बहुत मज़े किए, बहुत ही खुशियाँ मनाई। अभी भी मुझे बहुत रोना आ रहा है ये बताते हुए कि मेरी मम्मी जा चुकी हैं 1.5 महीना रहने के बाद। और बहुत खुश भी हुई मैं, मम्मी भी बहुत खुशियों के साथ रही। और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि मेरी मम्मी चली गई। जिसकी मम्मी नहीं है वो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होती है, लेकिन हमारी मम्मी हयात है और हमारी मम्मी सेहत याब है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह की कि मेरी मम्मी को हयाती दिया है अल्लाह ने और उनको सेहत भी दिया है। जिसकी मम्मी नहीं है उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि उनको सब्र दे खुदा। और इसी के साथ हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत खुशियाँ मनाई। तो मम्मी जब तक थी हमने बहुत खाया पिया, क्योंकि मम्मी को तो डाइट नहीं करा सकते थे क्योंकि उनकी एज जो है 75 इयर्स की थी। और मम्मी के लिए तो बहुत कुछ बना बहाना एक मम्मी का था, लेकिन हमने भी बहुत एंजॉय किया। हम भी सब खाए, बिरयानी भी खाए, क्रीम सीख टिक्का बिरयानी भी खाए और बहुत एंजॉय किया। भेलपूरी खाए, सेव पूरी खाए और सारी चीज़ें खाए जिससे हमारा वज़न बहुत अच्छे से बढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं कितना मेरा वज़न बढ़ गया है। ये वज़न काटा मेरे घर में ही है, लेकिन 1.5 महीने से मैं इस काटे को छुई नहीं हूँ, इसके ऊपर बिल्कुल चढ़ी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। लेकिन उसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं भी खाने की बहुत शौकीन हूँ और मम्मी के लिए जब बन रहा था तो मैं भी अच्छे से ओवर ईटिंग की हूँ। तो आज देखते हैं मेरा वज़न। माय गॉड, 86 kg की मैं अब हो गई हूँ, यानी कि मेरा 7 से 8 किलो वज़न बढ़ चुका है। लेकिन इतना वज़न देख के मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके उतारने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे डाइट प्लान भी बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं करने वाली क्या हूँ। तो सबसे पहले मैं स्लिमिंग टी बनाऊँगी। पानी मैंने 1 कप रखा है। अब स्ट्रिक्ट डाइट करना है मुझे और बहुत ही जल्दी मेरे को वेट उतारना है, तो मैं स्लिमिंग टी बना ले रही हूँ। ये बॉईल आएगी। अगर ये स्लिमिंग टी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है और बहुत जल्दी वेट लॉस भी होता है इससे। ये स्लिमिंग टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत आसानी से पेट साफ़ कर देता है, मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा फैट लूज़ होने में बहुत हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लेवल होने में। अभी सुबह में सबसे पहली चीज़ ये मैं चाय पीऊँगी और फिर बाज़ार लेने जाऊँगी। तो चलिए, इसमें बॉईल अच्छी तरह से आ गया है और इसको मैं छान के ले लेती हूँ। मैंने 1 कप लिया है और उसमें 1/2 नींबू इसके अंदर मैं निचोड़ देती हूँ इस तरह से। मेरे पास ये है निचोड़ने का, तो मैं निचोड़ लेती हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको। और उसके ऊपर मैं डालूँगी ये स्लिमिंग टी और इसको जितनी गर्म मुझे बर्दाश्त होगी उतनी गर्म गर्म मैं ये सुबह खाली पेट पी लूँगी। ये मैं सुबह के वक्त भी खाली पेट लेती हूँ और रात में खाने के 1/2 घंटा 1 घंटे के बाद आप ले, या सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं ये चाय पी लेती हूँ और जाती हूँ मैं बाज़ार में, और बाज़ार जाऊँगी मैं वॉक करते हुए ताकि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए और एक्टिविटी भी हमारी चालू रहे, क्योंकि मम्मी आई थी तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो इससे मेरी एक्सरसाइज होगी तो फैट्स बर्न करने में भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, मैं बाज़ार से आ गई हूँ, अच्छी वॉकिंग हो गई, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी
और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी शुरू हो गई है, तो मैं बाज़ार लेके आई हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं बाज़ार क्या क्या लाई हूँ। बहुत ही फ्रेश मुझे ककड़ी मिल गई है, देखिए एक ककड़ी लाई हूँ मेरी डाइट के लिए। और लाई हूँ मैं बहुत सारे बीट, इसका हम जूस भी बनाते हैं और इसका सैलड बना के भी खाते हैं। इस तरह से हम अपनी बॉडी को अभी मेंटेन करेंगे। ये पालक की भाजी है, ये अंधेरी मार्केट में मेट्रो का जो ब्रिज है उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठती हैं जो गांव से आती हैं, जो बहुत छोटी छोटी पालक और मेथी वगैरह लेके आती हैं। इसीलिए मैं वहां तक जाती हूं ताकि मुझे इतनी अच्छी पालक की भाजी मिल जाए। ये बहुत सारी पालक मैंने लाई हूँ, इस पालक को जूस में भी यूज़ करेंगे, बग़ैर तेल की इसकी सब्ज़ी भी बनाएंगे। और कई बार हम रात के वक्त पालक पनीर बनाते हैं जो बहुत ही कम तेल से बनता है, लेकिन उसमें फ्रेश क्रीम या बटर नहीं डालते हैं और उसको इसी तरह से बग़ैर रोटी के हम खाते हैं। हमारी पूरी फैमिली एक साथ डाइट करती है, उसमें मेरे को एक बेनिफिट होता है कि मुझे अलग अलग किसी के लिए पकाना नहीं पड़ता, जो पकता है हम तीनों के लिए साथ में पकता है और हम लोग वही चीज़ खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सारी पालक एक साथ ले आई हूँ। और मेथी की भाजी देखिए, बहुत ही छोटी छोटी मेथी और बहुत ही कौली, और इसकी जो डंडी है वो बहुत पतली पतली है, इसलिए मैं इतने दूर जाके ये बाज़ार लेके आती हूँ क्योंकि हमारे घर के पास इस तरह की मेथी की भाजी नहीं मिलती है। ये डंडी के साथ मैं यूज़ कर लेती हूँ जूस में भी और इसकी भाजी भी बनाती हूँ, और मैं जवारी के रोटी भी जब बनाती हूँ तो इस मेथी को ऐड कर देती हूँ ताकि ये हेल्दी रहे। और जवारी की रोटी आप ज़रूर खाएं, और मैं इस वक्त खाने वाली हूँ क्योंकि जवारी की रोटी जो है वो फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं मेथी की भाजी भी काफ़ी लेके आई हूँ, मैं अलग अलग तरीके से ये सब भाजियों को यूज़ करूँगी। तो इतनी सारी मैंने भाजियाँ भी लाई हैं। ये पम्पकिन भी हम लाए हैं, ये बहुत हेल्पफुल होता है फैट बर्न करने में। इसका हम कभी सूप बनाएंगे, कभी जूस बनाएंगे, कभी सैलड में बॉईल करके डालते हैं, और कभी बॉईल करके नमक काली मिर्च के साथ यूं ही खाते हैं, और हम ग्रीन जूस में भी इसको ऐड करते हैं क्योंकि ये फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसी को हम अपनी छोटी जो नवासी है, बेबी जो है, उसको बॉईल करके इसका सूप बना के हम देते हैं। वो 6 महीने की हो गई है तो उसको मीठा मीठा बड़ा अच्छा लगता है। ये दूधी हम ले आए हैं, बहुत ही पतली सी और बहुत ही कौली है। देखिए मैं इसमें नाखून लगाऊंगी तो ये फौरन इसमें लग जाता है नाखून। अगर आपको चेक करना है कभी भी दूधी लेना है तो आप कभी भी नाखून लगा के देखिए, आपका नाखून फौरन अगर उसमें निशान आ जाता है तो ये दूधी बहुत अच्छी है। और ये बहुत छोटी छोटी सी दूधी मैंने ले आई हूँ, इसको भी हम जूस में यूज़ करते हैं और सब्ज़ी भी इसकी बनाते हैं बग़ैर तेल की। तो हम ये 3 दूधी इसलिए ले आए हैं कि इसमें सब्ज़ी भी बनाएंगे और ग्रीन जूस में भी इसको ऐड करेंगे। इसको कुछ लोग लौकी भी बोलते हैं और मुंबई में ज़्यादातर दूधी कहा जाता है। ये अंगूर भी मैं ले आई हूँ, इसके पहले वीडियो में भी मैं अंगूर को बताई थी आपको कि किस तरह से अंगूर खरीदना चाहिए, हरी डंडी वाले। ये अंगूर भी मैंने अपने वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्प करेगा। मैं बीच बीच में खाऊंगी, मैं 5 मील अपना लूंगी ताकि मेरा फैट लॉस वेट लॉस बहुत आसानी से हो। ये माल्टा मैं ले आई हूँ, जब बीच बीच में मुझे भूख लगेगी तो मैं सारे माल्टा नहीं खाऊंगी, लेकिन एक ही माल्टा मैं खाऊंगी जिससे मेरी भूख तेज़ नहीं लगे और मेरा पेट हमेशा भरा रहेगा, जिससे फैट लॉस होने में, वेट लॉस होने में मुझे बहुत ये हेल्प करेगा। ये मैं नींबू लेके आई हूँ क्योंकि मैं स्लिमिंग टी लेने वाली हूँ, तो स्लिमिंग टी पीते पीते मेरा नींबू ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये नींबू भी लेके आई हूँ। और उसी के साथ मैंने बहुत अच्छे एप्पल लाई हूँ जो अभी मैं खुद खाने वाली हूँ, स्लिमिंग टी पी के गई थी बाज़ार, अभी लेके आई हूँ और अब मैं एप्पल खाऊंगी, एक एप्पल मैं खाऊंगी। दिन में मैं एक ही फ्रूट खाऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं जब भूख लगे तो एक एप्पल खा लिया फिर 2 घंटे बाद और एक एप्पल खा लिया, इस तरह से नहीं, मैं एक एक फ्रूट खाऊंगी। अभी मैं एप्पल खाऊंगी, उसके 1 घंटे के बाद मैं थोड़े अंगूर खाऊंगी, ग्रीन जूस पीऊंगी, फिर मैं लंच करूंगी और शाम में एक माल्टा खा लूंगी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लूंगी। इस तरह से मैं मेरी डाइट को कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए मैंने सारी बाज़ार ले आए हैं, सारी वेजिटेबल्स मेरे पास तैयार है
और आपने मेरा वेट भी देख लिया है, तो अगले 10 दिन के बाद हम वापस मिलेंगे इन्हीं बाज़ारों के साथ कि मेरा वेट कितना लूज़ किया है मैंने, और ये स्लिमिंग टी के साथ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि स्लिमिंग टी ने मुझे कितना सपोर्ट किया है वेट लॉस करने में। तो आप भी इस तरह से वेट लॉस का सब सारा सामान ला सकते हैं और अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। स्लिमिंग टी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।